कहते हैं मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो और मंजिल पाने का हौसला बुलंद हो तो उम्र की दहलीज भी सफल होने से रोक नहीं सकती। इसी कड़ी में देश के नौनिहालों ने ऐसा कारनामा किया है जो वास्तव में तारीफ के काबिल है और जिसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि बच्चों ने जूते से मोबाइल चार्ज करने का एक नायाब तरीका इजाद कर लिया है। गोरखपुर जिले के कक्षा 9 के छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे आप अपने जूते के माध्यम से अपने मोबाइल को चलते फिरते आसानी से चार्ज कर सकते हैं। दरअसल पीजो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके एक ऐसा जूता बनाया गया है जिसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी अपना मोबाइल चार्ज कर पाएंगे। भविष्य का ये एक ऐसा उपकरण है जो दबाव पड़ने पर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। बच्चों के हिसाब से इसकी कीमत तकरीबन 2000 रुपये तक है। बताया जा रहा है कि इस तकनीक के माध्यम से 1 किलोमीटर पैदल चलने पर एक स्मार्टफोन को आसानी से चार्ज किया जा सकता है। वहीं परिजनों के मुताबिक इन बच्चों पर हमें गर्व है, इन्होंने अपने माँ बाप के साथ ही देश का नाम भी रोशन किया है। यहाँ तक लगभग तो 4-5 घंटा से ज़्यादा लगा है फाइनल करने में, बिकॉज विचारों को तो प्रारूप देने में समय लगता है। और ये बच्चों ने जब बताया तो मैं इस पर बहुत विचार किया बच्चों के साथ कि डेफिनेटली है कि हम लोग जैसे वॉक करते हैं आज के डेट में, तो वॉक करते हैं तो क्यों ना मोबाइल चार्ज। सपोज कीजिए कि हम रात में बात करते करते सो गए, मेरे दिमाग में आया ये ख्याल, रात में मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, सुबह मुझे वॉक पर जाना है, तो मैं सोचा मोबाइल में चार्ज पॉकेट में रख लूँ, अगर मुझे कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे हमारा मोबाइल चार्ज होते रहे तो बहुत अच्छा चीज़ है। गोरखपुर से जनमत न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।